अगर आप जस्ट 20 मिनट्स अपनी किचन के नाइट क्लीनिंग रूटीन को देते हो तो आपकी किचन नीट क्लीन एंड बग प्रूफ रहेगी। मैं अपने नाइट रूटीन में क्या क्या करती हूँ वो मैं सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई नो आप मेरी क्लीनिंग वीडियोस बहुत लाइक करते हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इफ़ यू लाइक टू सी दिस वीडियो देन विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं डिनर रेडी करती हूँ। डिनर हमेशा हम 6 o'clock तक फिनिश कर लेते हैं, 6 और 6:30। आज गोभी बनी है एंड गोभी मंचूरियन बन रहा है। खाना बनाने के बाद एंड खाने से पहले ये काम मैं हमेशा करती हूँ। सो जो हमारा फ्लावर बिखरा होता है रोटी बनाते हैं, सो उसको मैं क्लीन करती हूँ। मैं कटिंग बोर्ड हमेशा यूज़ करती हूँ रोटी बनाने के लिए, कभी भी ग्रेनाइट यूज़ नहीं करती। फिर मैं वेट टिश्यू से उसे क्लीन करती हूँ, कभी भी उसे मैं ड्रेन में नहीं जाने देती, थोड़ा भी आटा, उससे क्या होता है फिर बग्स बनती हैं। इसे मैं वेट टिश्यू से कलेक्ट कर लेती हूँ एंड फिर मैं इसे वेस्ट फूड वाले बिन में डाल देती हूँ। ओके, फूड सभी ने खा लिया है। सबसे पहले जो मैं मेन काम करती हूँ, बर्तन डिशवाशर में रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो सिंक होती है क्लीन हो जाती है एंड मुझे अदर एरिया क्लीन करना बहुत ही इजी हो जाता है। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसे मैं हाथ से क्लीन करती हूँ, उसे मैं ड्यूरिंग कुकिंग ही करती रहती हूँ। साथ साथ में जब आप मल्टीटास्क वर्क करते हो तो हाफ काम आपका ऐसे ही फिनिश हो जाता है। जैसे ही बर्तन डिशवाशर में जाते हैं और वॉश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाफ काम ऐसे ही डन हो गया है। जब तक मैं बर्तन क्लीन करती हूँ मेरा स्टोव भी कूल डाउन हो जाता है एंड फिर मैं इस पर स्प्रे करती हूँ जो मैंने घर में ही बनाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, विनेगर सोप एंड वाटर से डिल्यूट करके आप बना सकते हो। सो इससे सारी ग्रीस निकल जाती है जो भी हम कुकिंग करते हैं, बहुत सारे तड़के से शीटें पड़ जाते हैं, राइट। सो ये बहुत अच्छी स्प्रे है, सो एंड नेचुरल भी है। एंड स्टोव को ओपन करके कैसे आप क्लीन कर सकते हो वो मैंने सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो बहुत ईजी होता है इसको ओपन करके क्लीन करना, मैं एवरी डे ओपन करके इसको क्लीन नहीं करती। स्टोव की ग्रिल्स जो होती है वो भी मैं निकाल कर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि बहुत ग्रीस होती है। आज अंदर से तो नहीं क्लीन करूँगी बट देख लेना वीडियो में। नाउ मैं करूँगी बैक स्प्लैश क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो बहुत सारे शीटे बढ़ जाते हैं, सो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ एंड एवरी डे करती हूँ। अगर एवरी डे आप करते हो तो बिलीव मी आपकी किचन कभी गंदी लगेगी नहीं, आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। ये सब करने के बाद मैं काउंटर टॉप्स को क्लीन करती हूँ क्योंकि हम जब कुकिंग करते हैं कटिंग करते हैं सो बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। इसके लिए मैं विमेन का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने शेयर किया है आपके साथ। काउंटर टॉप के मैं ईच एंड एवरी कॉर्नर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। मोस्टली मैं बहुत सारी चीज़ें अपने काउंटर टॉप पे नहीं रखती, सो जस्ट कुछ डेकोरेटिव चीज़ें ही रखती हूँ एंड उनको मूव करके अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि जब हम चॉपिंग कुकिंग और स्पेशली रोटी बनाते हैं तो चल ही जाता है कुछ ना कुछ। सो अब मैं ये आपके साथ ब्रश शेयर करने वाली हूँ, पहले भी मैंने किया था एक बार। ये मैजिक ब्रश है गाइज, ये आपको डॉलरामा से मिल जाएगा। इसको मैं वाटर से ही वेट कर लेती हूँ अच्छे से स्क्वीज करके, फिर मैं क्या करती हूँ जो मेरे काउंटर टॉप के ऊपर कैबिनेट्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना तो शीटें पड़ जाते हैं, ऑयल के शीटें होते हैं, सो और बहुत सारी चीज़ें। सो ये मेरा रूटीन है क्योंकि इसको एवरीडे करना कोई इतना हार्ड नहीं होता। ये ब्रश अगर यूज़ करोगे तो बहुत ईजी है, इससे आप वॉल्स भी क्लीन कर सकते हो, इससे आप बेस बोर्ड भी क्लीन कर सकते हो। सो मैजिक ब्रश है ये। राइट नाउ 7:23 हो चुका है, सो हमारा डिनर तो डन हो चुका है पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना दिन है अभी भी। अभी सनसेट नहीं हुआ सो अभी भी बहुत लाइट है, सो इसीलिए मैं अपनी आज वीडियो अच्छे से शूट कर रही हूँ। चलो बैक टू वर्क।
इस बिन में मैं अपना वेस्ट फूड रखती हूँ जो हम कटिंग करते चॉपिंग करते हैं एंड जो एक्स्ट्रा फूड होता है, सो इस बिन में मैं रखती हूँ एंड इसे मैं एवरी नाइट क्लीन करती हूँ, कभी नहीं भूलती। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई बग ना आए, कोई फ्लाई ना हो, सो आप हमेशा गार्बेज का ध्यान रखें, कभी भी कैबिनेट के अंदर गार्बेज कलेक्ट मत करें। सो ट्राई करें कि एवरी नाइट आप गार्बेज को बाहर फेंक दें जहाँ आप अपना मेन गार्बेज रखते हो। सो अब मैं इसे डीप क्लीन करूँगी अच्छे से सोपी वाटर से। मैं इसे हमेशा क्लीन करती हूँ क्योंकि जो इसमें स्मेल होती है वेस्ट फूड की, वो निकल जाती है एंड अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब बिन अच्छे से क्लीन हो गया है, नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये ड्राई हो जाएगा एंड फिर मैं इसे लाइनर लगा कर यूज़ कर लूँगी। अब मैं सिंक को डीप क्लीन करूँगी, इसके लिए मैं कमेंट का ये ब्लीच पाउडर यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है गाइस, स्टेनलेस स्टील की चीज़ों को अगर क्लीन करना चाहते हो तो इसे यूज़ करना। ये मैं स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ जो मोस्टली हम स्टेनलेस स्टील की चीज़ों को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल स्पंज भी यूज़ कर सकते हो, इससे क्या होता है थोड़ी सी और शाइनी हो जाती है, अच्छे से ग्रीस निकल जाती है, जो फूड लगा होता है वो निकल जाता है, राइट। एंड नॉर्मल स्पंज भी सेम वर्क करती है। सो मैं इसे डीप क्लीन कर लूँगी एंड क्या मैं करती हूँ, आफ्टर 2 वीक्स मैं ड्रेनर में ड्रेन का जो क्लीनर होता है वो ऐड करती हूँ एंड फिर मैं सुबह उठ के हॉट वाटर से उसे फ्लश कर देती हूँ। सिंक से इतनी स्मेल नहीं आती। सेकंड मैं क्या करती हूँ, ऐसे स्ट्रेनर यूज़ करती हूँ, आपको इजीली डॉलरामा से मिल जाएंगे, डॉलरामाज़ की वीडियोस देखते रहें। एंड ये स्ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, इससे क्या होता है कि जो आपका फूड होता है ना, क्रम्स होते हैं, वो जाते नहीं है ड्रेन में। अगर ड्रेन में फूड नहीं जाएगा तो इतनी स्मेल नहीं आएगी, इसमें कलेक्ट हो जाते हैं। सो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, अगर नहीं क्लीन करोगे तो ये इसमें मोल्ड बने की स्मेल आएगी। इसको भी अच्छे से डीप क्लीन करें स्ट्रेनर को, जो स्टेनलेस स्टील के स्ट्रेनर हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब मैं सिंक का ऑल अराउंड एरिया क्लीन करूँगी एंड मेक श्योर करते रहें कि सिलिकॉन हमेशा अच्छे से लगी रहे, वाटरप्रूफ सिलिकॉन यूज़ करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो सिंक होती है कभी लीक नहीं होती एंड वाटर लीक नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें नोट करते रहें एंड फिर मैं टिश्यू पेपर से उसको ड्राई करती हूँ कि जो भी पाउडर के मार्क्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जो हम दिन भर टावल यूज़ करते हैं उसे मैं ले जाती हूँ ऊपर क्लीन करने के लिए एंड चेंज कर देती हूँ टावल। एंड ये मैं विमेन का यूज़ करती हूँ स्टेनलेस स्टील के अप्लाइंस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि कुकिंग करते हमेशा शीटे पड़ जाते हैं, तो उसको अगर एवरी डे आप क्लीन करते रहो तो आपके जो अप्लाइंसेस है वो नए के नए लगते हैं, चमकते रहते हैं एंड अच्छे लगते हैं। जो मेरे किचन का आइलैंड है जिसे मैं अब क्लीन करूँगी, इसके लिए मैं ग्रेनाइट स्टोन विमेन के प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी। जहाँ हम बैठकर खाते हैं जो आइलैंड बहुत गंदा होता है, क्योंकि जहाँ मैं कटिंग करती हूँ, चॉपिंग करती हूँ, अपना जो भी फूड बनाती हूँ एवरी डे उसे प्रिपेयर करती हूँ, सो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जहाँ ही पड़ी होती हैं, सो उसको मैं मूव करूँगी एंड अच्छे से इसको क्लीन करूँगी। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पॉलिश कैसे करती हूँ। मोस्टली मैं 2-3 मंथ के बाद पॉलिश करती हूँ ग्रेनाइट एंड एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया है, बट आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं पॉलिश कर दूँ, थोड़ा सा मुझे रफ लग रही है ग्रेनाइट। उससे पहले क्या करें, अच्छे से क्लीन करें। नेक्स्ट मैं ये विमेन की पॉलिश यूज़ कर रही हूँ, ये ग्रेनाइट के लिए होती है स्पेशल। एंड आप देखते रहें, जो जो भी मैं यूज़ करती हूँ हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ एंड फिर आप पूछते रहते हो कि मैं क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ करती हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, अच्छे से इसे स्प्रे करना है कि कवर हो जाए आपकी पूरी ग्रेनाइट।
अच्छे से जब आप स्प्रे कर देते हो ऐसे, फिर आपको उसे स्प्रेड कर देना है। अगर आपको लगता है कि लाइक पूरी ग्रेनेट पे स्प्रेड नहीं हुई अच्छे से, एक टिश्यू पेपर लेकर डबल टिश्यू पेपर फिर उसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैंने उसे 5 मिनट तक छोड़ दिया था। फिर मैंने एक ड्राई टिश्यू लिया, फिर उसे आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी कॉर्नर तक जाना है, जो उसके एजेस हैं उनको भी कवर करना है, एंड जो एक्सेस है उसे रिमूव करना है, जब तक वो अच्छे से जो उसकी ग्रीसीनेस होती है ना वो चली नहीं जाती। एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छे से वो क्लीन हो गई है, एंड फिर वो शाइन करने लग जाती है, ऐसे लगती है कि न्यू की न्यू है। फिर आप अपना स्टफ़ ऊपर स्टैक कर सकते हो। मैं एटलीस्ट उसे देती हूँ 1 आवर सेट होने के लिए। नेक्स्ट मैं किचन की सारी चेयर्स को क्लीन करूँगी, क्योंकि जब हम खाते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, चेयर्स फिर भी गंदी हो जाती हैं, फूड गिर जाता है, क्रम्स होते हैं, इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कि ऑलमोस्ट मेरी किचन क्लीन होने वाली है जी। मेरा प्लांट एरिया है, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हो 8 o'clock ऑलरेडी हो चुका है। सो इतना टाइम मैं ले लेती हूँ। अगर इतना टाइम आप अपनी किचन को एवरी डे दे दें तो आपका घर पूरा क्लीन रहता है, बिलीव मी। नेक्स्ट मैं अपनी पैनेट्री चेक कर लेती हूँ, कुछ बिखरा तो नहीं है। मोस्टली कुकिंग करते करते साथ साथ में चीज़ें रखती रहती हूँ। इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है इसकी वीडियो अप ऑन आवर चैनल। एंड ऑलमोस्ट किचन डन होने वाली है। सो जी लेफ्ट ओवर गार्बेज जाएगा गार्बेज बिन में। किचन क्लीनिंग के साथ मैं अपना लिविंग एरिया भी क्लीन करती हूँ, जो हमारा फैमिली रूम है जो अटैच होता है। आप देख सकते हो कि कैसे बिखरे पड़े होते हैं एंड ऑफ द डे सारे कुशंस, उसे मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। जो भी हमारे काउच होते हैं उसे मैं अच्छे से डिसइनफेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम एवरी डे उसे यूज़ करते हैं। अगर आप डिसइनफेक्ट एवरी डे करें तो आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है, एंड आपको ही नई सुबह में आपका नया घर मिलता है। सो मुझे फ्रेश फील होता है जब भी मैं उठ कर आती हूँ। सो मैं अब इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। हमें लगता है कि सारा कुछ क्लीन हो गया है, बट फिर भी कुछ ना कुछ कॉर्नर में मिल ही जाता है। लुक एट दिस, मेरे बच्चों का काम। सो इसे भी रखते हैं, एंड सारे क्रम्स जो है अब फ्लोर पे आ गए हैं। इट मींस फ्लोर का काम शुरू होने वाला है। उससे पहले जो मेरा मेन काम होता है वो तो रह ही गया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जे ब्लैंकेट्स आप ही यूज़ करते हो अपने फैमिली रूम्स में, हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब मैं इसे रोल करके अच्छे से रख दूँगी फॉर नेक्स्ट यूज़। अब हो गया है सारा क्लीन। सो एंड पे मैं करती हूँ वैक्यूम, क्योंकि सारे क्रम्स होते हैं रग पे, फ्लोर पे। किचन का फ्लोर तो क्रम से भरा हुआ होता है। सो अब मैं अच्छे से वैक्यूम करूँगी। जी मेरी किचन के नाइट रूटीन का लास्ट स्टेप है मॉप करना। रात को मैं हमेशा मॉप करके सोती हूँ,
तो मुझे अच्छा लगता है अगर आप 20 मिनट्स एवरी डे अपनी किचन को, अपने घर को दे दें, तो आपका घर नीट क्लीन रहता है एंड बग प्रूफ रहता है। मुझे बग का बहुत फोबिया है, सो मुझे होता है कि मैं हर एक चीज़ को क्लीन करके सोऊं। सो हैबिट होती है, अगर आप अच्छी हैबिट्स डाल लेते हो तो फिर भी आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, वैसे ही करते हो जैसे आप करना चाहते हो। ठीक है, सो होप करती हूँ कि आपको आज की मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ टिप्स अच्छे लगे होंगे, कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर छोड़ना जो आप कभी नहीं छोड़ते। सो मैं हमेशा आपके कमेंट्स की वेट करती हूँ। आप साइन इन करके मेरी वीडियोज़ देखा करें कि आप जब भी वीडियो को फिनिश करें कमेंट्स कर दें साथ में। सो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं थैंक यू करना चाहती हूँ ईच एंड एवरी वन को जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, आते हैं मेरी वीडियो को ट्यून इन करते हैं। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन, आई लव यू गाइस एंड आई विल सी यू इन अनदर कमिंग वीडियो। अंटिल देन टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय।